मतलब कि आप जल्दी हियरिंग चाहते हैं, अर्ली हियरिंग चाहते हैं, उस केस को प्रीपॉन्ड कराना चाहते हैं, वो लोग, वो साधारण लोग, वो भोले भाले लोग इस प्रोसीडिंग में फंस जाते हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वो अपने केस को कैसे जल्दी करवा सकते हैं, अपने केस को कैसे स्पीडी ट्रायल में कन्वर्ट करा सकते हैं, या कैसे उन केस की जल्दी डेट ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी कोई केस चलता है किसी भी कोर्ट में, या फिर आपके केस की प्रोसीडिंग चल रही है जिसके अंदर के ट्रायल चलना भी स्टार्ट हो गया है, या फिर हो सकता है कि आपने बेल लगाई हो, या कोई भी प्रोसीडिंग हो कोर्ट की जिसके अंदर अक्सर आपको तारीख मिल जाती है, और वो तारीख कई बार काफी लंबी तारीख होती है, 2-3 महीने की डेट मिल जाती है। फिर चाहे वो हाई कोर्ट में आपने कोई भी केस लगाया हो, या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लगा हो, या फिर ट्रायल चल रहा हो, या फिर कोई आपने बेल फाइल की हो अपने किसी भी परिजन या जानकार को जेल से निकालने के लिए, पर उसमें अगर लंबी डेट मिल जाए तो उस डेट को आप शॉर्ट कैसे करवाएंगे। मतलब कि आप जल्दी हियरिंग चाहते हैं, अर्ली हियरिंग चाहते हैं, उस केस को प्रीपॉन्ड कराना चाहते हैं, वो कैसे करवाएंगे, आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों हमारे देश में या फिर किसी भी सभ्यता में अगर देखा जाए तो जो उस देश का या उस सभ्यता का जो कानून है वो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, और अक्सर वो लोग, वो साधारण लोग, वो भोले भाले लोग इस प्रोसीडिंग में फंस जाते हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वो अपने केस को कैसे जल्दी करवा सकते हैं, अपने केस को कैसे स्पीडी ट्रायल में कन्वर्ट करा सकते हैं, या कैसे उन केस की जल्दी डेट ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी केस में 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं तब जाके कुछ भी डिसीजन आ पाता है, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन लगाई, या आपके केस की कोई डेट, नेक्स्ट जो डेट लगनी है, जो आपको कोर्ट से तारीख मिलनी है, वो 3-4 महीने के बाद की मिल जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने वकील साहब को आप कहिए कि जाकर हमारी अर्ली हियरिंग के लिए एक एप्लीकेशन लगाए, केस को प्रीपोन कराने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, जिसके अंदर की एप्लीकेशन लगाने के बाद जिस कोर्ट में वो मैटर है, जिस कोर्ट में वो बेल लगी हो, या जिस कोर्ट में जो केस की प्रोसीडिंग करने वाले जज साहब जो वहां पर बैठे हैं उनके पास एक एप्लीकेशन लगेगी, और आपके वकील साहब थोड़ी सी उस पर जिरह करेंगे कि आप क्यों चाहते हैं उस केस को प्रीपोन करवाना, क्यों चाहते हैं उस केस पर अर्ली हियरिंग करवाना। और इस एप्लीकेशन में अगर कोर्ट आपकी बात से सेटिस्फाई हो जाता है, कन्विंस हो जाता है आपकी बात से, तो उसमें शॉर्ट डेट लगाई जा सकती है। मान लीजिए आपने हाई कोर्ट में अपनी बेल लगाई, पर बेल में लंबी डेट मिल गई है जिसमें कि 1 महीना हो सकता है, 2-3 महीने भी हो सकते हैं, तो उसमें अगर आपके वकील साहब एक प्रीपोन की एप्लीकेशन लगा देते हैं, प्रीपोनमेंट जिसे बोलते हैं, उसके अगर एक एप्लीकेशन लगाते हैं तो जल्दी उस केस की सुनवाई बिल्कुल हो सकती है। और अगर कोई भी आपका केस किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है उसके लिए भी अगर लंबी आपको डेट मिल गई है किसी भी चीज के लिए, फिर चाहे आपको चार्जेस फ्रेम कराने हो, या फिर हो सकता है आपकी अपीयरेंस हो, या फिर हो सकता है विटनेसेस हो, विटनेस को क्रॉस करना हो, या एविडेंस हो, कोई भी किसी भी तरह किसी भी स्टेज पर अगर आपका केस है तो उसमें आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन या फिर प्रीपोन की एप्लीकेशन लगाएंगे तो आप उस केस में जल्दी हियरिंग बिल्कुल करा सकते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी वकील साहब बार बार कई केसेस में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा लगा कर उस केस को बहुत जल्दी खत्म करवा देते हैं, अगर उनको लगता है कि उस केस के अंदर जान नहीं है, या उस केस के अंदर जो उनका क्लाइंट है वो बिल्कुल क्लियर रूप से निकल जाएगा, या फिर क्लियर रूप से वो उनको कन्विक्ट करा देगा। तो ऐसे में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाना, प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन लगाना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज आपको बताया कैसे आप अपने केस की जल्दी प्रोसीडिंग करा सकते हैं आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स या सवाल आपके दिल में है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा आज के वीडियो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।